हमारी दो किस्में पूसा की HD CSW 18 और HD 3226 जो बहुत ही उपयुक्त है, उनको आप अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में धान की फसल काटने के तुरंत बाद सीधे बुआई कर सकते हैं, और अगर आप बाहर जुताई करके भी बोना चाहें तो भी बो सकते हैं। दोनों किस्में बहुत ही उपयुक्त है, एक ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको जब जल्दी बुआई करते हैं तो अक्टूबर के माह में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है तो नमी जल्दी सूख जाती है, तो कोशिश करें शाम के टाइम बुआई करें। ये जो हमारी दोनों किस्में HD CSW 18 और HD 3226, ये 60 मन प्रति एकड़ या 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ऊपर ऊपर पैदावार दे जाती है, अगर जो आप अक्टूबर के आखिरी के अंदर इनकी बुआई करें। हमारी दो अन्य किस्में हैं HI 1621 HD 3271, ये लेट सोन और वेरी लेट सोन कंडीशन, यानी जैसे पर्टिकुलरली जब सुगर केन की कटाई के बाद हम बुआई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक हमारी अन्य किस्म है जो HD 3249 है, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए रिकमेंड हुई है, ये भी हमारी बहुत ही उत्तम किस्म है। हमारे परीक्षण के दौरान हमने पाया कि ये HD 2967 HD 3086 और दूसरी अन्य किस्मों से अधिक पैदावार दी है इस किस्म ने, तो मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म को जरूर अपनाएं, HD 3249 NEPGEN, खासकर बिहार और यूपी में। और एक अन्य चीज जिसको आप उपयोग में लाके अपनी गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जब गेहूं की बाली निकल चुकी हो तब उस दौरान बाली निकलने के बाद जब दाना बनना शुरू होता है उस टाइम NPK का स्प्रे जरूर करें, जिसके अंदर तीनों तत्व प्रेजेंट हो उनका स्प्रे करें, तो दानों के अंदर उनकी दानों की मोटाई भी बढ़ती है और उनमें चमक भी आ जाती है।